बीते कई दिनों से ट्रैफिक जाम से बेहाल दिल्ली वालों को आश्रम फ्लाईओवर के खुलने से एक तरफ तो थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रिपेयरिंग के चलते बंद हुए चिराग दिल्ली फ्लाईओवर की वजह से लोगों का ट्रैफिक जाम से हाल बेहाल है। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री का पद संभालने वाली आतिशी दिल्ली वालों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक्शन मोड में आ गई हैं। वो कैसे, ये आपको बताते हैं। आपको बता दें कि चिराग दिल्ली फ्लाईओवर को रिपेयरिंग के लिए पीडब्ल्यूडी ने 50 दिन तक बंद रखने का फैसला किया था। साथ ही चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के बंद होने से लोगों को परेशानी न हो इसके लिए कई गाइडलाइंस भी तैयार की गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर रिपेयरिंग का काम शुरू हुए 3 दिन ही हुए कि यहाँ ट्रैफिक के कारण लोगों का बुरा हाल हो गया, जिसे देखते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी मार्लिना ने बीते दिनों पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाते हुए सख्त निर्देश देते हुए कहा कि चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के मेंटेनेंस का काम दोगुनी रफ्तार से किया जाए और 50 दिनों के बजाय 30 दिन में ही काम खत्म किया जाए। अब आतिशी मार्लिना खुद डेली बेसिस पर फ्लाईओवर के मेंटेनेंस के काम की प्रगति की समीक्षा करेगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को रोजाना प्रोग्रेस रिपोर्ट उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि नियमित रूप से दिल्ली भर में फ्लाईओवर के रखरखाव का काम पीडब्ल्यूडी करता है और इस समय दिल्ली में बड़े स्तर पर ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसके तहत सभी खराब सड़कों और फ्लाईओवर पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसी वजह से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर को पहले रिपेयरिंग के काम के चलते 50 दिन के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब जाम और लोगों की परेशानी को देखते हुए नई पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी मार्लिना एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और जिस काम के लिए 50 दिन का वक्त तय किया गया था अब उसी काम को 30 दिन में निपटाने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई 30 दिनों के भीतर चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा या फिर आश्रम फ्लाईओवर की ही तरह डेडलाइन पर डेडलाइन बढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।